वहीं राजधानी में पानी को लेकर शहर भाजपा का हल्ला बोल लगातार जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या पर मटका फोड़कर अपना विरोध जताया। शहर के अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि चार दीवारी में समय पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास शहर में 500 ट्यूबवेल खुदवाने का झूठा दावा करते हैं। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि जयपुर के लोगों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं तो मैं सांसद कोष का पूरा पैसा देने को तैयार हूं। बोहरा ने यहां तक कह दिया कि अपने स्तर पर जहां जहां पर पानी की आवश्यकता है वहां सांसद कोष से ट्यूबवेल की अनुशंसा की जा रही है, लेकिन सरकार को भी राजधानी के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलवाने के प्रयास करने चाहिए। ये कहना था सांसद रामचरण बोहरा का। मैंने अभी बाहर भी कहा है और अभी आपके सामने भी कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मेरे से आज ही आ जाएं, और कहाँ कहाँ हैंडपम्प खोलने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, मेरे सांसद कोष का पैसा मैं आज ही देने के लिए तैयार हूँ ताकि जनता को पानी प्राथमिकता के आधार पर पानी मिल सके। हमने अभी मैं 5-6 हैंडपम्प की मैंने अनुशंसा भी कर दी है और भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमने जिलाध्यक्ष जी को कहा है, जहाँ जहाँ आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है कि हमारे यहाँ पानी की नहीं है, पानी हैंडपम्प की आवश्यकता है, उसके पैसे की आवश्यकता है, तो वो इमीडिएट पैसा देंगे और कलेक्टर महोदय उसको इमीडिएट पास करके और जनता का पानी की